हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं वर्मीसेली या सेवई उपमा बनाऊंगी। इसे आप नाश्ते में बनाइए, ये 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। सेवई को हम बिना बॉईल किए बनाएंगे, फिर भी ये खिली खिली बनेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। इसमें हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड तेल डाल देंगे। तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2-3 टेबलस्पून मूंगफली के दाने को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें काजू डालकर इन्हें भी 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। 5 काजू को मैंने बीच से कट करके ले लिया है, काजू ऑप्शनल है। काजू आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें, इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मूंगफली के दाने से भी सेवई का उपमा बहुत ही अच्छा लगता है। काजू और मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। मूंगफली और काजू को हम साइड में रखेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है और उसी तेल में हम 1/2 टीस्पून राई डाल देंगे, 1 पिंच हींग। जैसे ही राई चटक जाए तो अब हम इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टेबलस्पून चना की दाल, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल। दोनों दाल को मैंने 1/2 घंटा के लिए अलग अलग सोक करके पानी छान कर ले लिया है। चना दाल और उड़द दाल को ज़रूर डालें, इससे उपमा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 5-6 करी पत्ता डाल देंगे। 5-6 करी पत्ता को मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे और इन्हें कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 छोटा प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। इन्हें भी हम 1/2 या 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का हल्का कलर चेंज हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर लेंगे। इसमें हम 1 कप सेवई, ये लगभग 100 ग्राम है, इसे हम डाल देंगे। 1 पिंच हल्दी डाल देंगे। सेवई हमारी कच्ची है इसीलिए हम इसे 3-4 मिनट अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून शक्कर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस कप से सेवई ली थी उसी कप से थोड़ा सा कम पानी, लगभग 150 ml डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। लिड लगाकर हम इसे 5 मिनट लो फ्लेम में पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम लिड हटाकर चेक करेंगे। सेवई हमारी अच्छे से पक गई है। इसमें हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। फ्राई की हुई मूंगफली के दाने और काजू को भी डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई करके 1/2 मिनट फ्राई कर लेंगे। सेवई में थोड़ा पानी बचा है, वो भी सूख जाएगा। सेवई का पूरा पानी सूख गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 2 मिनट बाद लिड हटा कर देखेंगे। सेवई हमारी बिल्कुल खिली खिली है, ये देखिए। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं सेवई कितनी खिली खिली बनी है। आपको रेसिपी कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।